हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज के सेशन में देखेंगे एंगल बाइसेक्टर्स, या उसको आप हिंदी में बोलते हैं कोण समद्विभाजक, और इन सेंटर, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं आप अंतः केंद्र, कि किसी भी ट्रायंगल का अंतः केंद्र क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का कोण समद्विभाजक क्या होता है, और किसी भी ट्रायंगल का जो कोण समद्विभाजक होता है वो आपको उसके सामने वाले जो साइड है, भुजा है, उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम लोग चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं कि कोण समद्विभाजक होता है जो कि सामने वाले साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको हम लोग अलग अलग तरीकों से प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। हम लोगों ने सिमिलैरिटी में ऑलरेडी दो तरीका से प्रूफ कर दिया था, और आज हम लोग देखते हैं अगेन कि इसको दो तीन तरीका से हम लोग इसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं कोण समद्विभाजक। तो फिर हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एबीसी एक ट्रायंगल है ना, तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि आपका जो एंगल ए है, एंगल ए का जो समद्विभाजक है ना, कौन समद्विभाजक आप इसमें कौन समद्विभाजक है ना, ये इसको बीसी को डी पॉइंट पे कहीं कट करता है, ठीक है। ये आपका कौन समद्विभाजक है ना, अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल आपका एक्स है जो भी। तो हम लोग को ये बताना है आपको कि कौन समद्विभाजक है आपका, जो सामने वाले साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसका जो रिजल्ट आता है फ्रेंड, वो ये आता है आपका ए बी अपॉन ए सी इजकल टू बी डी अपॉन डी सी बोल सकते हैं आप, या सी डी बोल सकते हैं, बी डी अपॉन डी सी, ये आपका रिजल्ट आता है। देखिए, तो एंगल ए को कौन कौन सा साइड बना रहा है, एंगल ए को कौन कौन सा साइड से, ए बी और ए सी से बन रहा है, देख रहे ना। तो जो एंगल को जो साइड बना रहा है ना, उसका रेशियो इजकल टू जो आपका कौन सा विभाजक है जो सामने वाले साइड को कट करता है ना, वो रेशियो ये होता है, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी होता है। तो फ्रेंड्स, हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग तो प्रूफ इसको दो तरीका से हम लोग सिमिलैरिटी में ऑलरेडी कर चुके हैं, और देखिए हम लोग अब इसके लिए और कुछ नया कॉन्सेप्ट क्या डेवलप करें जिससे कि हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए एक तरीका ये है कि हम लोग अब क्या करें कि अब कुछ कंस्ट्रक्शन का ट्रायंगल में, तो आपको बता दिया था मैं पहले ही कि बिना कंस्ट्रक्शन का ज्योमेट्री आपका अधूरा है। तो देखिए हम लोग यहां से क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं ना। देखिए पॉइंट सी से, देखिए पॉइंट सी से एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, एडी आपका ये है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पॉइंट सी से पास हो। तो देखिए आपका एडी कुछ है ऐसे, देखिए पॉइंट सी से आपका एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया है ना, जो इसको आपको कहीं देखिए, और इस लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर दिए, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दिए हम लोग ने ए बी को आगे बढ़ा दिया, ठीक है ना, ए बी को आगे बढ़ा दिया है। ये जहां पे इसको कट करता है इसको हम लोग मान लेते हैं, मान लेते पॉइंट पी, ठीक है, इसको हम लोग ये पॉइंट पे कट करता है। देखिए हम लोग ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन हम लोग ने क्या किया, सीपी एक लाइन ड्रॉ की, सीपी पैरेलल टू किसके, एडी के, है ना। एडी आपका क्या है, कौन समद्विभाजक है, एडी क्या है आपका, एडी आपका एंगल बाइसेक्टर है। अब देखिए हम लोग इसको कितना आसानी से प्रूफ कर देंगे, देखिए आप ये देखिए कि आपका क्या है, ये बी डी एडी और सी डी, एडी और सीपी क्या है आपका, पैरेलल है, है ना। देखिए कौन से, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की और एबी को हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया ना, एबी को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है, ठीक है, यही किया ना। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए आपका क्या है, दो पैरेलल लाइन हो गया आपका एडी पैरेलल टू सीपी, है ना, एडी अगर पैरेलल सीपी हो गया तो देखिए यहां से इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करिए ना, तो देखिए आपका एकांतर कोण बराबर है। देखिए यहां पर जेड बन रहा है ना, जेड का तो चर्चा काफी बार कर चुके हैं, तो अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एडी सीडी, एडी और सीपी पैरेलल है, देखिए तो ये क्या हो रहा है आपका, संगत कोण, है ना। अगर इस कोण और इस कोण की बात करें तो क्या हो रहा है, एंगल बी ए डी और एंगल ए पी सी क्या है, संगत कोण है, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो अगर ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था ना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसी को फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता था फ्रेंड्स आपका, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहता ना कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल अगर हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो जैसे कि एबीसी एक ट्रायंगल है था आपका, याद कीजिएगा, देखिए डी डी पैरेलल टू हम लोग बीसी ड्रॉ कर देते थे तो क्या होता था, बेसिक बोलते एडी अपॉन डीबी, है ना, ऐसे लिखते थे ना, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन
इसी होता था, है ना, इसका रेशियो बराबर होता था। इसको आप ऐसे भी लिखते थे, ए बी अपॉन बी डी इजिकल टू ए सी अपॉन ई सी। इसको और भी तरीके से लिख सकते थे, ए बी अपॉन ए डी इजिकल टू ए सी अपॉन ए, कुछ भी लिख सकते रहते थे, है ना, ए बी अपॉन ए ई, ए बी अपॉन ए डी इजिकल टू, आप लोग इसको ऐसे भी लिखते थे, ए सारा क्या रिजल्ट आता था, इसी से हम लोग सारा रिजल्ट को ड्रॉ करते थे प्लस माइनस करके। तो देखिए यहां पे आपका ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा आपका, बीडी पैरेलल आपका किसके है, सीपी के। इसका मतलब क्या होगा, बीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, ट्रायंगल ए पी बी की बात करें, देखिए आप ट्रायंगल हम लोग बात करते हैं, ए ट्रायंगल बीपीसी, है ना, ट्रायंगल बीपीसी की अगर बात करें तो क्या होगा, फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या लिखेंगे, बीडी अपॉन डीसी इजकल टू, देखिए इस साइड को कहा, ये ए पे कट कर, ये दोनों पैरेलल, क्या लिखेंगे बीडी अपॉन डीसी इजकल टू, अब क्या लिखेंगे बीए अपॉन एपी, ये लिखेंगे ना सिंपल, बीए अपॉन एपी। देखिए आपका एपी कुछ अलग टर्म है, तो देखिए एपी को हम लोग यहां से कंक्लूड करेंगे, देखिए इस एंगल के सामने कौन सा साइड है, ए बी, है ना, इस एंगल के सामने कौन सा साइड है, एसी साइड है इस एंगल के सामने, और इस एंगल के सामने कौन सा साइड है, एपी। इसका मतलब क्या होते हैं, बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती थी, बराबर होती थी। इसका मतलब यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर पाएंगे, एपी इज इक्वल टू एसी, है ना। तो हम यहां से हम लोग पुट कर देंगे, तो देखिए बीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू एबी अपॉन एपी के बदले आप क्या लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं, देखिए प्रूफ हो गया, है ना। देखिए अगर ये देखिए हम लोग ये क्या वर्ड मानते थे, देखिए अगर इसको बोलते थे ए तो इसके सामने के साइड को ए बोलते थे, है ना, स्मॉल ए, ये सी है तो इसके सामने के साइड क्या बोलते थे, स्मॉल सी, इसके सामने बी है तो इसके सामने के साइड क्या बोलते थे, स्मॉल बी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बीडी अपॉन डी सी इसका टू, आप क्या लिख सकते हैं, ए बी को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन ए सी बी, ये भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये फ्रेंड्स हम लोगों ने देखिए ये तीसरा तरीका से प्रूफ किया, दो तरीके से हम लोग सिमिलरिटी लगा करके प्रूफ किए थे ऑलरेडी। अब देखिए हम लोग इसको और कैसे और किस किस तरीका से प्रूफ कर सकते हैं ना, आप लोग इसको नोट करना तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इसको हम लोग और अलग अलग एस्पेक्ट में देखेंगे कि और इसको हम लोग कैसे कैसे सोचते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को अब दूसरे तरीका से प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया कि एबीसी एक आपका ट्रायंगल है जिसमें आपका बी है जो कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी है, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर है। तो देखिए इसको बनाने वाला साइड कौन कौन है, ए बी और ए सी। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी, है ना। इसका बनाने वाला साइड क्या है, ए बी और बी सी। इसका टू आप क्या लिखेंगे, देखिए इसके सामने क्या है, ए ई अपॉन बी सी, है ना। यही हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए अगर इसको हम लोग एक तो कॉन्सेप्ट सीख ही लिए थे कि जो बाइसेक्टर है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके ट्रायंगल बना करके हम लोग उसको तो सीख लिया एक कॉन्सेप्ट को। अब दूसरे कॉन्सेप्ट से देखिए हम लोग कैसे सोचते हैं। तो अगर इसमें सोचिए कि जो हमारा जो एरिया है ना, एरिया वाला कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कॉन्सेप्ट को और थोड़ा विस्तार से करने के लिए हम लोग इसको थोड़ा और इसको इस तरह से इलाबोरेट करते हैं ना। जैसे देखिए आपका कोई एक एंगल बाइसेक्टर है, ठीक, एक एंगल बाइसेक्टर आपका ये रहा, माने कि ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, ठीक है। तो देखिए ये एंगल बाइसेक्टर है आपका, तो देखिए जो एंगल बाइसेक्टर से देखिए किसी भी पॉइंट से आप इसके दोनों ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, और देखते हैं को वो परपेंडिकुलर का रिजल्ट क्या था, परपेंडिकुलर क्या रिजल्ट देता है। तो देखिए अगर हम लोग ट्रायंगल इसको ए बी सी डी कुछ भी मानते हैं ना, तो देखिए यहां से हम लोग को क्या कंक्लूड पर करेंगे कि क्या परपेंडिकुलर इक्वल होता है या क्या रिजल्ट उसका बनता है। तो देखिए हम लोग यहां पर देखेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल ए सी बी की बात करते हैं और ट्रायंगल ए डी बी की बात करते हैं। देखिए ट्रायंगल ए सी बी की बात करते हैं, यहां पर ट्रायंगल ए सी बी देखिए आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, या समान ट्रायंगल ए डी बी का कारण देखिए आपका ये एंगल अल्फा, ये भी एंगल अल्फा है, देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है ना, और ये आपका क्या है, कॉमन है। तो एंगल एंगल साइड से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना। जैसे एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो आप क्या ले सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू बी डी, है ना।
यानी कि इसके पॉइंट किसी भी पॉइंट से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दूसरे इसके बनाने वाले जो लाइन आएंगे उसको बाइसेक्टर वाले लाइन को तो क्या करेगा वो इक्वल हो जाए। तो देखिए यहां से हम लोग अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा ठीक है, यहां से अगर इस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो मतलब कि कुछ परपेंडिकुलर आपका ऐसा आता है ठीक। तो हम लोग एरिया वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अब हम लोग ट्रायंगल ए बी ई का एरिया लिखें और ट्रायंगल बी सी ई का ठीक है, ट्रायंगल ए बी ई का एरिया क्या हो जाएगा देखिए, ट्रायंगल ए बी ई का एरिया को हम लोग ए आर से डिनोट करते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं बी सी ई, कुछ भी लिख सकते हैं ट्रायंगल बी सी ई इक्वल टू आप क्या लिखेंगे हाफ। देखिए ए बी के लिए हम बेस इसको मानते हैं तो हाफ ऑफ ए बी, देखिए परपेंडिकुलर तो दोनों क्या हो गया था यहां से बी सी इक्वल टू बी डी हो गया था, यानी कि परपेंडिकुलर का हाइट सेम, अगर ये एच है तो ये भी एच है ठीक है। तो इसका अगर एरिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हाफ ऑफ ए बी इंटू एच, देखिए नीचे में क्या लिखेंगे अगर इसको बेस मानते तो हाफ ऑफ बी सी इंटू एच, तो देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए सी है ना, आपका एक रिजल्ट ये आ गया। अब देखिए अब हम लोग इसको ऐसे सोचें कि अगर हम लोग इसको बेस मानते ए ई और इसी को बेस मान करके देखें तो क्या होगा, तो देखिए हम लोग एक और छोटा सा फिगर ड्रॉ कर देते हैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना, आपका ट्रायंगल ए बी सी यही था ना, ये पॉइंट ये था जो कि आपका एंगल बाइसेक्टर हुआ करता था, ये अल्फा था तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा था तो ये भी अल्फा। तो देखिए यहां से अगर हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालने का कोशिश करेंगे तो देखिए इस बेस के लिए परपेंडिकुलर क्या हाइट लेते थे, देखिए इस बेस के सामने जो आपका वर्टेक्स है पैरेलल इसके लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना, और जो ये हाइट होता था मतलब कि ये हाइट आपका एच बन जाए, तो दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट एच बन जाए। ट्रायंगल ए बी ई है ना, ट्रायंगल ए बी ई का एरिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ए ई मल्टीपल एच वन देखिए ना, और ट्रायंगल बी सी ई के एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ई सी मल्टीपल एच वन है ना, यानी कि दोनों के एरिया बेस का रेशियो क्या हो जाएगा बेस का रेशियो के बराबर हो जाएगा, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना दो तीन बार। तो देखिए हम लोग उस तरीके से अगर हम लोग एरिया निकालने का कोशिश करें इस तरीके से अगर हम लोग एरिया निकालने का कोशिश करें तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई, देखिए यहां पर बेस हम लोग किसको मान रहे हैं इसका हम लोग बेस मानते ए हाफ ऑफ ए मल्टीपल एच वन अपॉन हाफ ऑफ देखिए इसी इसके लिए हम लोग बेस इसी में इंटू एच वन, तो दोनों देखो यानी क्या हो गया ए अपॉन इसी इक्वेशन टू। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या करें देखिए एरिया तो दोनों तरफ सेम है, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आप क्या कंक्लूड कर पाएंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए बी, ये देखिए बी सी था ना इसको गलती से हम लोगों ने ए सी लिख दिया था, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी है ना। अब देखिए इसको थोड़ा और हम लोग इलेबरेट करें तो देखिए ए बी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे ए बी के लिए क्या लिखेंगे सी के सामने क्या सी होता था है ना, ए के सामने क्या होता था ए होता था, बी के सामने बी होता था ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी को और क्या लिख सकते हैं आप सी अपॉन ए है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी अपॉन ए इज इक्वल टू ए वाई सिमिलरली हम लोग अलग अलग करके इसको प्रूव कर सकते हैं। एक बार हम लोग इस एंगल को बाइसेक्टर को लें एक बार इस एंगल को बाइसेक्टर को और हम लोग इस थ्योरम से इस कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको अगेन प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो साइड को उसी अनुपात में विभाजित करता है ना जिस अनुपात में एंगल को बनाने वाली जो दो साइड्स होती है ना, एंगल्स को बनाने वाली जो दो साइड्स देखिए इस एंगल को जो बना रहा है साइड क्या है ए बी और ए सी इसी अनुपात में डिवाइड हो रहा है ए अपॉन ई सी टू क्या है ए बी अपॉन बी सी, इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए और ये रिजल्ट तो आपको याद ही होना चाहिए।
तो फिर देखिए, पहले हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट दो तरीका से प्रूव करने के लिए सीखा, अगेन आज दो तरीका से प्रूव करने के लिए सीखे, एक और हम लोग अब तीसरा तरीका लगाते हैं ना ट्रिगोनोमेट्री का, वहां पे साइन रेशियो से हम लोग कैसे प्रूव करते हैं ना, जो साइन रूल होता है, साइन रूल होता है ना, उससे हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। साइन रूल के बारे में हम लोग इसके बारे में अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग सर्कम सेंटर के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने एक और ट्रायंगल ले लिया है ना, एबीसी। इसमें हम लोगों को ये बोला जा रहा है कि एडी है जो आपका एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि कोण समद्विभाजक का कोण क्या है आपका एडी है। तो अगेन हम लोग को यहां पे क्या प्रूफ करना है, एबी अपॉन एसी इज इक्वल टू बीडी अपॉन डीसी है ना। इसको हम लोग देखिए यहाँ पे साइन रूल लगा करके प्रूफ करेंगे। ये एंगल तो हम लोग मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये टू अल्फा होगा तो ये अल्फा, ये अल्फा। देखिए जैसे ही इसको ये कर रहा है, देखिए तो सरल रेखा का कोण क्या होता था, 180 होता था। अगर ये एक एंगल को हम लोग अज्यूम कर रहे कि थीटा है आपका, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस थीटा। देखिए साइन रूल ये कहता है कि आपको इसको ऐसे लिखते हैं, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू टू वाई है। इसको हम लोग जब सर्कम सेंटर पढ़ेंगे वहां पर इसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी हम लोग सीधा इसका अप्लाई करते। देखिए अल्फा के सामने क्या है, एंगल अल्फा के सामने क्या है आपका बीडी है ना, तो बीडी वाई क्या लिखेंगे, बीडी वाई क्या लिखेंगे, साइन रूल लगाएंगे तो अप्लाई क्या करें, साइन रूल है ना, क्या करेंगे। देखिए अल्फा के सामने क्या है आपका बीडी है ना, ट्रायंगल एबीडी की अगर हम लोग बात करें, ट्रायंगल एबीडी की अगर हम लोग बात करें तो अल्फा के सामने क्या है बीडी, तो इसको क्या लिखेंगे, बीडी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू, देखिए अब देखिए थीटा के सामने क्या है एबी है ना, तो एबी अपॉन साइन थीटा। तो यहां से आप क्या कंक्लूड कर पाएंगे, एबी अपॉन बीडी इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगल ए सी डी की बातें करें ना, इन ट्रायंगल ए सी डी की अगर बातें करें, देखिए यहां पे क्या अल्फा के सामने क्या है डी सी है हाँ? तो डी सी अपॉन साइन अल्फा इसका टू देखिए 180 माइनस थीटा के सामने क्या ए सी, तो साइन ए सी अपॉन साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। देखिए साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा होता है ना, साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है। इसको अभी आप लोग थोड़े देर के लिए याद रखिएगा, जब तक कि ट्रिगोनोमेट्री का एक या दो क्लास ना हो जाए। तो आप लोग इसके क्या लिख देंगे यहां से, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा है ना, इसको आप लोग थोड़ा देर लिया, इसको आप क्या लिख देंगे यहां से इक्वल टू एसी बाई साइन थीटा। अब देखिए एसी अपॉन डीसी इक्वल टू क्या, क्या ऐसे क्या हो जाएगा, एसी अपॉन डीसी इक्वल टू क्या लिख लेंगे अगेन साइन अल्फा बाई साइन थीटा ना, एसी अपॉन डीसी इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा ना बाई साइन अल्फा। अगर इसको इक्वेशन वन मानते हैं, इक्वेशन टू मानते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या लिखेंगे आप सीधा, देखिए इस तरफ दोनों सेम है यानी क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी, इसका मतलब क्या होगा आपका, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। तो फ्रेंड ये हमारा तीसरा प्रूफ था कि हम लोग इसको जितना तरीका से आप सोचेंगे ना, उतना आपको जब प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा तो अलग अलग अप्रोच आप लगा पाएंगे जब आपके पास नया प्रॉब्लम होगा। और दो प्रूफ हम लोग पहले सिमिलरिटी में कर चुके थे, तो टोटल हम लोग पांच तरीका से इस प्रूफ को देखें है ना। इसको हम लोग आप लोग नोट कर लिए, इसके बाद हम लोग एक जनरलाइज इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या इसका रिजल्ट होता है, उसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें कि एंगल ए का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे लिखने का मतलब आपको बोला जा रहा है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, या ध्यान एंगल जो ए है उसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एडी है
ठीक है, एंगल बी का जो इंटरनल एंगल बाय सेक्टर है वो बी है, एंगल सी का जो इंटरनल एंगल बाय सेक्टर है वो सी एफ है। तो हम लोगों ने जो डिराइव किया उसके थ्रू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप देखिए ए बी, देखिए ए बी अपॉन ए सी को क्या लिखेंगे आप, यही लिखेंगे ना आप, देखिए ए बी अपॉन ए सी का मतलब क्या हो गया आपका, ए बी अपॉन ए सी का मतलब आपका क्या हो गया, बी डी अपॉन डी सी। अगर आप लोग डेरिवेशन करते हैं तो आपको चीजें ऑटोमेटिक याद रहते हैं। देखिए तो ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, आप ए बी को ये भी लिख सकते हैं सी अपॉन बी, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी अपॉन बी इजकल टू बी डी अपॉन डी सी, है ना। अब देखिए अब एंगल बी का जो बाइस एंगल बाई सेक्टर है ना, अगर ये देखिए अगर ये बाई है ये भी आपका बाई है, अगर ये एक्स है ये भी आपका एक्स है, ये अगर डब्ल्यू है तो भी आपका डब्ल्यू, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर है। तब देखिए सी बाई बी इजकल टू आप क्या लिख रहे हैं बी डी बाई डी सी। तो सिमिलरली देखिए अगर एंगल बी की बाई सेक्टर की हम लोग बात करें तो क्या लिखेंगे आप सीधा ए बी अपॉन बी सी, है ना, ए बी अपॉन बी सी इजकल टू आप क्या लिखेंगे ए अपॉन ई सी, है ना। देखिए ए बी को आप क्या लिखेंगे, देखिए ए बी को क्या लिखते हैं सी अपॉन ए, है ना, तो सी अपॉन ए इजकल टू आप क्या लिखेंगे ए अपॉन ए सी, ठीक है। अब देखिए एंगल सी का बाइसेक्टर क्या है सी एफ, है ना, तो आप यहां से देखेंगे तो क्या लिखेंगे आप ऐसे लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी सी लिखे या बी सी अपॉन ए सी, जैसे आपको मन करे वैसे लिखिए। अगर बी सी अपॉन ए सी हम लोग लिखना चाहें, बी सी अपॉन ए सी लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए बी सी अपॉन ए सी, देखिए बी सी तो क्या हो गया आपका सी अपॉन ई, सी ई अपॉन ई, अब देखिए बी सी का मतलब क्या हो गया आपका ए, है ना, ए अपॉन बी इजकल टू सीई अपॉन ई, ये आप याद रखिए। देख अब यहां पे देखिए एक चीज मैं और आपको बता दूं, जो तीनों एंगल का बाइसेक्टर है ना, जो कोई पॉइंट पे मिलता है ना उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। तो ये क्या आपका आई है जो कि इसको इन सेंटर बोलते हैं ना, जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर आपस में कट करते हैं, इसको बोलते हैं आप लोग इन, हम लोग इन सेंटर, इन सेंटर भी बोलते हैं हम लोग, इसको हिंदी में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं अंत केंद्र, है ना, आई आपका इन सेंटर है या अंत केंद्र है, तो आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा। इसके बाद देखिए हम लोग एक और रिजल्ट कंक्लूड करने का कोशिश करेंगे ना कि देखिए अगर अब ये देखें कि ए आई और आई डी का रेशियो होगा वो क्या होगा, है ना, सिमिलरली आपका बी आई अपॉन आई का रेशियो क्या होगा उसको हम लोग प्रूफ करने का कोशिश करते हैं, और सी आई अपॉन आई एफ का जो रेशियो होगा वो क्या होगा इसके बारे में हम लोग कैसे सोचेंगे। तो फ्रेंड्स इसको जो समरी था उसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग ये रिजल्ट को प्रूफ करने का कोशिश करेंगे ए आई अपॉन आई डी इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आपका बनता है, ए आई अपॉन आई डी जो होता है वो बी प्लस सी अपॉन ए होता है, इसको हम लोग प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लिए, उसके बाद हम लोग सिमिलरली लिखते जाएंगे बी आई अपॉन आई का वैल्यू क्या होगा, तो बी आई अपॉन आई का वैल्यू होगा जो ए प्लस सी अपॉन बी होता है। तो इसको सारा आपको सिमेट्री से आपको खुद ब खुद आप जब डिराइव करेंगे चीजों को तो ऑटोमेटिक आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। तो आप इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग आपको समय बचाने के लिए ना फिगर को ड्रॉ कर लिए। तो देखिए हमारा यह कह रहा है कि एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए है उसका जो एंगल बाइसेक्टर है एडी, ठीक है, और एंगल बी है उसका एंगल बाइसेक्टर आपका बीई है, ठीक है। तो हम लोग को यह प्रूफ करना है कि ए आई अपॉन आई डी इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए होता है। अगर एक बार प्रूफ कर लेंगे तो सिमेट्री से हम लोग सारा रिजल्ट को कंक्लूड कर पाएंगे। तो देखिए अगर ए आई अपॉन आई डी के बारे में बात करें तो हम लोग को अब इस ट्रायंगल पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा ना, इस ट्रायंगल के बारे में हम लोग को कॉन्सेंट करना, ए आई अपॉन आई डी की बात हो रहा है तो हम लोग को किस ट्रायंगल पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, ट्रायंगल ए बी डी पे नहीं कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा तब तो होगा ना। तो देखिए BD का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना कि जो BD इज टू DC का रेशियो होता है क्या होता था आपका C इज टू AB, देखिए क्या होता था आपका AB अपॉन AC इज इक्वल टू क्या होता था आपका BD अपॉन DC, देखिए AB को क्या लिखते थे, देखिए C अपॉन B इज इक्वल टू क्या होता था BD अपॉन DC, तो देखिए इसका रेशियो कितना था C इज टू B का रेशियो हो रहा था, ठीक है, टोटल आपका कितना है ए है, हाँ ना, टोटल ए है तो ए किसके बराबर है, देखिए एक ए को अगर लिखे तो किसके बराबर है बी प्लस सी
ऐसे सोचेंगे ना, अगर बी प्लस सी ए है तो सी का वैल्यू क्या होगा, तो बी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, बी डी का वैल्यू क्या होगा, देखिए बी प्लस सी अगर ए है रेशियो में तो सी क्या होगा, तो देखिए ए अपॉन बी प्लस सी है ना, बी प्लस सी ए है तो यूनिटी कितना हो जाएगा, ए बाई बी प्लस सी, तो सी का बी डी का वैल्यू सी है तो कितना जाएगा, तो बी डी इक्वल टू क्या होगा, ए सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी हो गया ना, तो बी डी का वैल्यू आपका क्या हो गया, आपका ये सी टू बी के रेशियो में लिखे टोटल ए है तो इसका जो होगा उसको क्या लिखेंगे, सी इंटू ए बाई टोटल बी प्लस सी, यही लिखते हैं ना, तो बी डी इक्वल टू क्या होगा, ए सी अपॉन बी प्लस सी, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या पता हो गया, बी डी का वैल्यू पता हो गया और ए बी का वैल्यू पता है, अब हमें निकालना है किसका रेशियो, ए आई अपॉन आई डी, तो देखिए फिर अगेन ये देखिए इस एंगल के लिए क्या होगा आपका, ये एंगल बाई सेक्टर है ना, तो यहां से आप क्या लिखेंगे, ए आई अपॉन आई डी इसका टू क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन बी डी है ना, तो यहां से क्या लिखेंगे आप, ए आई क्योंकि ए बी आपका ये एंगल बाई सेक्टर है ना, तो इससे क्या लिखेंगे, सी अपॉन देख कैसे लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी डी, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी डी इसका टू आप क्या लिखोगे, ए आई अपॉन आई डी, ये लिखेंगे ना, तो ए आई अपॉन आई डी हो गया। तो देखिए अब यहां से इसको इस तरह आप ले लेते हैं, तो आपका क्या होगा, ए आई अपॉन आई डी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ए बी का वैल्यू कितना आपका सी है, तो सी अपॉन बी डी का वैल्यू आपका कितना, बी प्लस सी वाई कितना, ए सी वाई ए इंटू सी वाई बी प्लस सी है ना, इसको क्या हो गया, देखिए आप ए आई अपॉन आई डी का वैल्यू कितना आ गया, बी प्लस सी अपॉन ए है ना, ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए ए आई अपॉन आई डी का वैल्यू कितना आ गया, बी प्लस सी अपॉन ए, तो अब देखिए ए आई अपॉन आई डी का वैल्यू आ गया ना, अब देखिए अब हमको लिखना हो अगर बी आई अपॉन आई का वैल्यू, तो बी आई अपॉन आई का वैल्यू क्या होगा आपका, देखिए बी आई अपॉन आई का वैल्यू होगा, तो आप सिमेट्री से क्या लिखेंगे, देखिए यहां पे क्या ए आई है, देखिए ए है तो क्या हो रहा है ये बी प्लस सी, तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा आपका सिमेट्री से ए प्लस सी अपॉन बी है ना, इसको प्रूफ करके देखिएगा, और देखिए सी आई अगर होता और बाई आई एफ होता तो आपको क्या लिखते हैं, ए प्लस बी अपॉन सी है ना, ये आपका कंप्लीट रिजल्ट हो जाता है ना, इसको दोनों का अगर प्रूफ करना तो प्रूफ कीजिए, नहीं तो सिमेट्रिक से आप लीजिए, अगर सी आई अपॉन सी कुछ ऐसा होता, ठीक है, तो आप लोग हम लोग ये रिजल्ट लेते। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर देखिए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें हम लोग इसको थोड़ा मिटा देते हैं, और एक क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं ना, ये एक क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे टैकल करें, हमारा सारा जो है ये आपका, लेकिन ये आपका दिया होगा, ऐसे सोच लीजिए आपका कि ए आई अपॉन आई डी दिया हुआ है, ठीक है, ए आई अपॉन आई डी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 5:3, ठीक है ना, अब बी आई अपॉन आई का वैल्यू दिया हुआ है आपका 3:2, तो आपसे पूछा जाता है सी आई अपॉन आई एफ का वैल्यू क्या हो 1, तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, देखिए ए आई अपॉन आई डी कितना है आपका 5/3 है, तो ये ए आई अपॉन आई डी को आप लोग क्या लिख सकते थे, और ये भी लिख सकते थे बी प्लस सी अपॉन ए इजकल टू 5/3, ठीक है, बी आई अपॉन आई है तो इसको आप लोग क्या लिखते थे ए प्लस सी अपॉन बी इसका टू कितना 3/2, देखिए ये टोटल को जोड़ के, अब इसको रेशियो का सवाल हो गया, तो इसको रेशियो का सवाल को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, देखिए ये टोटल कितना है 5+3 8 है ना, ये कितना है आपका 3+2 5 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, इसमें ऊपर नीचे कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही करेंगे कितना हो जाएगा आपका 25/ आपका कितना हो गया 15, बी प्लस सी अपॉन ए ये आपका कितना हो गया 24/16 हो गया कितना, ए प्लस सी वाई भी कम है। अब देखिए अगर इसको हम लोग फास्ट करना है तो हम लोग तो बहुत इजीली फास्ट कर लेंगे ना, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 40 के बराबर हो जाएगा, लेकिन हम लोग को रेशियो में ही लेना है, तो रेशियो लेना है तो हम लोग को 40 के लिखने का जरूरत नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी आपको लिखना है तो लिख लीजिए कितना आ जाएगा, यहां से कैलकुलेट कर लेंगे 40 के, ठीक है, सी अभी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका
16K, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 15K, ठीक है। अब देखिए बी प्लस सी की बात करें तो कितना आपका वैल्यू आ रहा है 25K, है ना। बी प्लस सी की वैल्यू आप बात करें तो बी प्लस सी आपका कितना आ रहा है आपका ए बी बी ए का वैल्यू, ए प्लस बी का वैल्यू आपका बी प्लस सी, बी का वैल्यू आ गया आपका, ए का वैल्यू आ गया 15, बी का वैल्यू आ गया आपका 16K, तो सी का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा आपका, ऐसे भी देख लेते सी का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 9K, है ना। तो अब आपसे पूछा जा रहा है क्या सी आई अपॉन आई एफ, तो सी आई अपॉन आई एफ का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, ए प्लस बी अपॉन सी। तो देखिए ए प्लस बी आपका कितना है 31K बाई 9K, थर्टी वन के बाई 9K कितना हो गया था सी आई अपॉन आई एफ का वैल्यू आपका हो गया 31/9, ये आपका आंसर हो गया। आप इसको के अगर देखिए आपको ऑब्जेक्टिव है तो आप के नहीं कर सकते ना, सीधा 40, 16, 59 लिख करके आप सॉल्व करके आगे बढ़ जाइए। तो देखिए अगर कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग है तो कैसे प्रॉब्लम को इजीली टैकल कर पाते हैं ना, कितना आसान हो जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो फ्रेंड्स इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है वो क्या होता है और उसका रिजल्ट भी क्या आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग अगर 100% सवाल करना है किसी भी एग्जाम में तो हमको मल्टी डायमेंशन में चीजों को सोचना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटर्नल एंगल का जो बाइसेक्टर है वो सामने वाले साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका भी रेशियो बिल्कुल वही होगा, है ना। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, देखिए अगर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि एंगल बी का है, है ना, बी का एक्सटर्नल कुछ ऐसा होगा, तो देखिए एंगल बी का जो एक्सटर्नल एंगल है ना बाइसेक्टर, इसको आप ऐसे ले लीजिए, ये आपका मान लीजिए कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ये कहीं यहाँ पे जा रहा है, उसी को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, ये कहीं इस पॉइंट पे कट करता है इसको, ठीक है। फिगर आपका थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा वो समझ जाइए, ठीक। देखिए एंगल बी का जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, अगर सोचिए कि अगर ये अल्फा है तो आपका ये भी अल्फा है ही ना। इसको हम लोग चाहें तो थोड़ा और अच्छे से प्लॉट करने का एक बार और कोशिश करते हैं। देखिए ये ई पॉइंट पे कहीं इसको कट करता है, तो जैसे वहां पे देखे थे तो यहां पर भी क्या हो जाएगा अगेन, आपका जो एंगल बी का जो है एंगल बाइसेक्टर है तो ये आपका जो लिखेंगे जवाब तो ऐसे लिखेंगे यहां पे ए बी अपॉन, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया ना इसका, तो यहां पे जो रिजल्ट आएगा आपका ए बी अपॉन बी सी, है ना। एंगल बी को बनाने में क्या था ए बी और बी सी था, तो ए बी अपॉन बी सी इसका टू आपका ये रिजल्ट आएगा ए अपॉन सी, है ना। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पे भी फिर अगर हम लोग उसी तरह से जैसे वहां पे सोचे थे उसी तरीके से पैरेलल स्टेप में हम लोग क्या सोचते हैं कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। तो चलिए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, कितना बी के पैरेलल हम लोग सी से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, सीपी कोई लाइन है ना, हम लोग अज्यूम कर देते हैं ये पी पे कट करता है सीपी पैरेलल बी, है ना। ये क्या किया हम लोग कंस्ट्रक्शन कर दिए, देखिए जैसे ये पैरेलल लाइन हुआ था, देखिए आपका ये दो लाइन पैरेलल है बी और सीपी आपका पैरेलल है, तो देखिए ये जेड बना रहा है ना एकांतर को, यानी कि ये एंगल भी अल्फा वन, देखिए यहां से यहां ये कंप्लीट जेड बना है, तो ये आपका अल्फा हो जाएगा, ठीक। और देखिए यहां से आपका बी और सीपी आपका पैरेलल है तो संगत कोण बोल सकते हैं, है ना। तो संगत कोण आपका ये, अगर ये अल्फा है तो ये एंगल भी आपका अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग यहां से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को लगा देते हैं, तो ट्रायंगल ए बी ई में हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को लगाते हैं, ट्रायंगल ए बी ई में क्या लगाते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को लगाते हैं ना, ठीक है। देखिए क्या है आपका सीपी पैरेलल कितना है, सीपी आपका पैरेलल है बी, है ना। ये किससे आया है कंस्ट्रक्शन से हम लोगों ने अज्यूम किया, तो देखिए
अगर इसको देखिए बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाते थे क्या लिखते थे आप, ऐसे भी लिखते थे एपी अपॉन पीबी, ठीक है, एपी अपॉन पीबी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एबी अपॉन पीबी, ऐसे भी लिखने के लिए हम लोग बताया था ना कि आप लोग कैसे भी लिख सकते हैं, या तो आप एपी अपॉन पीबी भी लिख सकते हैं या एबी अपॉन बीपी भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग एबी अपॉन बीपी लिखेंगे ना तो हम लोग को बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए यहां पे एबी अपॉन, देखिए हम लोग लेते हैं एबी अपॉन बीपी, ठीक है, तो इसके सामने वाला साइड के लिए आप क्या लिखेंगे एई, है ना, एई अपॉन सी ए लिखेंगे ना, बीपी लिख रहे हैं तो यहाँ पे सी लिखेंगे, ए बी लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे ए, तो ठीक है। तो देखिए कितना बड़ा रिजल्ट आएगा, ए अपॉन बीपी है तो सी लिख लीजिए या इसी लिख लीजिए, सी हो गया। देखिए देखिए आपका राइट हैंड साइड वाला आपका तो रिजल्ट आ गया। अब देखिए बीपी है तो बीपी को हम लोग कैसे हटाएंगे, तो देखिए अब ट्रायंगल हम लोग बीपी सी की बात करें, ट्रायंगल बीपी सी में आप देखिए ना क्या कितना बढ़िया रिजल्ट आया आपका। देखिए अल्फा के सामने कितना है, ये बीसी है, इस अल्फा के सामने बीपी है, तो देखिए ट्रायंगल बीपीसी क्या हो जाएगा आपका, बीपी इज इक्वल टू बीसी, क्योंकि बराबर कोण के सामने का साइड क्या होता है, भुजा बराबर होता है, यानी कि आपका बीपी इज इक्वल टू क्या कंक्लूड कर पाए बीसी, है ना। यहां से हम लोग यहां आगे बढ़ जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एबी अपॉन बीसी इसका जो क्या आ गया आपका ए अपॉन सी, है ना, बिल्कुल सेम ही रिजल्ट आया। इसको हम लोग ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। तो आप ज्योमेट्री में जितना डायमेंशन में जाएंगे आपका हिचकिचाहट उतना ही खत्म होगा और कॉन्सेप्ट चल गया उतना ही स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, है ना। तो फ्रेंड इसको आप नोट कर दीजिए, इसके बाद एक इसका एक और प्रूफ हम लोग देख लेते हैं साइन रूल के थ्रू, है ना, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू टू आर के थ्रू देख लेते हैं। उसके बाद अगर आपको प्रूफ करना हो तो अगेन जो जो दो आपका सिमिलरिटी से प्रूफ किए हैं और एक एरिया से प्रूफ किए हैं उससे आप खुद से ट्राई करके देखिएगा, वो भी प्रूफ सारे होंगे, लेकिन हमारे पास टाइम कंस्टेंट है, इससे ज्यादा हम लोग और नहीं कर सकते। आपको जब ज्योमेट्री सीखना है तो आपको खुद से भी मेहनत करना होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग साइन रूल से इसको प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। देखिए कितना आसान है, कितना मजा आएगा आपको। देखिए अगर अगेन हम लोग जो किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटर्नल एंगल बायसेक्टर है उसका जो रेशियो होता है उसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, उसको एक बार साइन रूल से प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। तो यहां पे देखिए क्या एंगल बी का जो एंगल बायसेक्टर है, एक्सटर्नल एंगल बायसेक्टर है, इसको हम लोग कुछ ऐसे मान लेते हैं बी है ना, ये आगे बढ़ता चले गए, इसको क्या करता है सी है, इसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं ना, ए सी को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, ए सी को एक्सटेंड कर दिए तो कहीं ई पॉइंट पे कट किया है, ठीक है। तब हम लोग को ये शुद्ध एक बताना है आपको कि जो ए बी अपॉन बी सी होगा, देखिए एंगल बी का एक्सटर्नल एंगल बायसेक्टर है, ठीक है, अगर ये सोचिए कि अल्फा है आपका तो ए बी आपका अल्फा होगा, ठीक है ना, ठीक है। यहां पर अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, क्योंकि क्या है ये एक्सटर्नल एंगल बायसेक्टर है, ठीक है। तो यहां से हम लोग को फिर अगेन क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू आपका होगा ए अपॉन सी, इसको हम लोग प्रूफ करना जैसे कि आपका वहां पर रिजल्ट आता था उसको एक बार आप कंपेयर करके देखिएगा। तो देखिए आपका अगर ये एंगल अल्फा है तो देखिए सरल रेखा है ना, स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है 180, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा, ये हो जाएगा ना ये एंगल आपका। देखिए अब हम लोग ट्रायंगल बीसीई है ना, अगर सोचिए ये अल्फा, अगर हम लोग इसको बीटा मान लेते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हम लोग एक बार ट्रायंगल बीसीई में सोचते हैं, ट्रायंगल बीसीई देखते हैं, ट्रायंगल बीसीई देखते हैं ना, यहाँ पे हम लोग साइन रूल लगाते हैं ना, साइन रूल को अप्लाई करते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए अल्फा के सामने क्या है यहाँ पे सी, ठीक है, तो साइन सी अपॉन साइन अल्फा लिखेंगे यहाँ पे, सी अपॉन साइन अल्फा हो जाएगा, है ना, इसका टू देखिए यहाँ पे बीटा के सामने क्या है आपका बी सी, यानी कि बी सी अपॉन साइन बीटा हो गया, है ना। तो आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं बी सी सी अपॉन बी सी इजकल टू साइन अल्फा बाई साइन बीटा, इसको आप इक्वेशन वन मान लीजिए। आप ट्रायंगल ए बी ई में हम लोग साइन लगाने का कोशिश करते हैं, ट्रायंगल ए
बी ई में हम लोग साइन रूल अप्लाई करते हैं। देखिए ए बी में अगर हम लोग साइन रूल अप्लाई करें देखिए, तो 180 डिग्री माइनस अल्फा के सामने क्या है आपका ए ही है ना, इसको क्या लिखेंगे ए अपॉन साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा लिखेंगे ना आप। देखिए बीटा के सामने क्या है आपका ए बी, इसको तो क्या लिखेंगे ए बी अपॉन साइन बीटा, यही तो आप लिखेंगे ना। तब देखिए यहां से आप क्या लिखेंगे ए ई अपॉन ए बी साइन 180 माइनस अल्फा, इसको जो आप तो बता दिए थे एक बार कि साइन अल्फा होता है, अभी थोड़ा देर के लिए आप याद रखिए साइन 180 कॉस 180 माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा होता है, क्योंकि साइन जो होता है जो 90 से 180 के बीच में पॉजिटिव होता है इसलिए ऐसा होता है, कॉस नेगेटिव होता है इसलिए वहां पे माइनस आना जाता है। तो अभी देखिए यहां सब लोग आप क्या लिखेंगे ए ई अपॉन ए बी इक्वल टू क्या हो गया आपका साइन 180 माइनस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा, तो साइन अल्फा भाई साइन बीटा का होगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं देखिए 1 2 यहाँ पे दोनों सेम है हाँ, यानी क्या लिखेंगे सी ई अपॉन बी सी, सी ई अपॉन बी सी इजकल टू ए ई अपॉन ए बी है ना। तो यहां से आपका क्या ये दोनों से ये आ गया ना पहले, आप यहां से क्या हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी इजकल टू ए ई अपॉन सी ई या ई सी भी हो सकता है। देखिए एक्सटर्नल एंगल बाय सेक्टर हो इंटरनल एंगल बाय सेक्टर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग बहुत अच्छे से डिराइव कर लें, और जो दूसरे टाइप है एरिया वाला या सिमिलैरिटी वाला प्रूफ उसको आप लोग खुद करने का कोशिश कीजिएगा है ना फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग एक और सवाल करते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्चुअली और आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है ना जो कि किसी भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये बता रहे कि एबीसी एक ट्राइंगल है ना, जिसमें ये देखिए कि आप ये दिया हुआ है फिगर में और कुछ नहीं दिया हुआ, बस फिगर दिया हुआ है ऐसे फिगर बना करके दे दिया गया और पूछा जाए कि वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए यहाँ पे फाइल फिगर दिया हुआ था, यहाँ पे ये लिखा हुआ कि अल्फा अल्फा, इसका मतलब क्या हम लोग इससे कंक्लूड कर रहे हैं कि बी ई आपका क्या है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी है ना, और सी एफ जो की एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी है हाँ, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो इसको हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, तो देखिए अगर हम लोग इसको ऐसे सोचे अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है हाँ, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं हाँ, अगर इसको हम लोग वाई मान लें ठीक है, थोड़ा देर के लिए अगर हम लोग वाई एज्यूम कर लें बी सी इजकल टू वाई ठीक। तो देखिए ए बी अपॉन बी सी इजकल टू क्या लिखेंगे हम लोग ए ई अपॉन सी ए लिखेंगे ना, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो हमारा रिजल्ट क्या आता था इस साइड जो साइड का जो रेशियो होता था वो आपका ये रेशियो और ये रेशियो के बराबर होता था, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखे थे जो एंगल को जो दोनों साइड बना रहे उसका रेशियो। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी है ना, ए बी अपॉन बी सी इजकल टू आप क्या लिखेंगे आप ए ई अपॉन सी लिखेंगे है ना। ए बी का वैल्यू कितना होगा आपका 3 + 4 कितना हो गया आपका 7, बी सी को हम लोगों ने अज्यूम कर लिया बाई ठीक है, बी सी को हम लोग बाई मान लेंगे ठीक है ना, इसका टू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 5/1 ठीक है। अब देखिए दूसरा रिजल्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से, अगर ये हम लोग अज्यूम कर लें कि आपका ये आपका एंगल बाइसेक्टर है एंगल सी जो सी एफ आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो यहां से आप क्या लिखेंगे ए सी अपॉन बी सी है ना, या आप यहां से ऐसे लिखिए बी सी ठीक है बी सी अपॉन ए सी तो कट जाएगा। देखिए बी सी अपॉन ए सी आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप ऐसे बी सी अपॉन ए सी लिखेंगे क्या लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी इसका टू आप क्या लिखेंगे 3/4 है ना, बी सी के साथ क्या है 3 है ए सी के साथ 4 तो 3/4 ठीक है। अब देखिए आपको 3/4 एक स्टेप में और लिख देते हैं कि आपका थोड़ा क्लियरिटी बेटर हो, तो बी एफ अपॉन एफ ए या ए एफ है ना। तब देखिए बी सी को कितना आप लिख रहे हैं बाई लिख रहे हैं ना, देखिए बाई अपॉन ए बी को ए सी को आप क्या लिखेंगे 5+x है ना, ए सी आपका 5+x हो गया, इसका टू आप देखिए बी एफ का वैल्यू कितना 3 है तो 3 एफ का वैल्यू 4 है तो 3/4 आपका हो गया है ना। आपको इक्वेशन 1 मान लीजिए इक्वेशन 2
अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए बाई बाई कैंसिल हो जाएगा, तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन एंड टू, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, तो सेवन बाई फाइव प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना दो, फाइव थ्री जा फिफ्टीन हो जाएगा ना, फिफ्टीन बाई फोर एक्स है, फिफ्टीन बाई फोर एक्स, ठीक है। अब यहां से देखिए फोर एक्स सेवन ट्वेंटी एट एक्स है ना, ट्वेंटी एट एक्स माइनस फिफ्टीन एक्स हो जाएगा, ट्वेंटी एट एक्स लिख लीजिए इक्वल टू फिफ्टीन एक्स प्लस सेवेंटी फाइव, तो आप एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा सेवेंटी फाइव बाई थर्टी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको सोच सकते हैं, तो देखिए कितना आसान था, अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग है तो कितना आराम से इसको सोच लीजिए, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद एक बार वंस अगेन देख लेते हैं हम लोग, जो जो इसका एंगल बाइसेक्टर्स होता है था, है ना, दो एंगल जो ये एंगल होता था उसका वैल्यू कैसे निकालते थे उसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। आइए एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर उसको हम लोग थोड़ा जल्दी से देखेंगे, ट्रायंगल में इसको हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा उस पर कर चुके हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा जल्दी से देखेंगे उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड आइए हम लोगों ने आपको समय बचाने के लिए कुछ फिगर को ड्रॉ कर लिया, कुछ ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया ना। यहाँ पे देखिए कि जो पहला ट्रायंगल है यहाँ पे ये बोला है कि एबीसी एक ट्रायंगल है आपका, जिसमें एंगल बी का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ना, और एंगल सी का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो कहीं कोई आई पॉइंट पे कट करता है, तो आपको एंगल बी आई सी का वैल्यू निकालना था। तो एंगल बी आई सी का जो वैल्यू निकालना था आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया कि 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई टू होता है। अगर इसको दूसरा एस्पेक्ट में सोचे, एक बार तो हम लोग क्या किए थे बड़े वाले ट्रायंगल की, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 किए थे, यहाँ पे किए थे एंगल बी बाई टू प्लस एंगल सी बाई टू प्लस एंगल बी आई सी इक्वल टू 90 डिग्री, जो पहला वाला इक्वेशन था उसको हम लोग टू से डिवाइड कर दिए थे और उसके बाद दोनों का रिजल्ट ले आए थे। अब हम लोग देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, तो अब दूसरे एस्पेक्ट में देखते हैं, है ना। तो देखिए हम लोग ऐसे सोचा अगर इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर दें थोड़ा और इसको हम लोग आगे बढ़ा दें, तो देखिए अब देखिए जो ये एंगल होगा, अगर ये देखिए आपका इसमें जो कि ए वन एंगल था, ये ए टू एंगल था, ठीक है। देखिए ये आपका कितना था बी बाई टू था, है ना, ये आपका सी बाई टू एंगल। अब देखिए तो अगर हम लोग इस एंगल की बात करें, सिर्फ और सिर्फ इस एंगल की बात करें, तो देखिए क्या होगा आपका ए वन प्लस एंगल बी बाई टू, है ना, क्या होगा आपका एक्सटर्नल एंगल बन रहा है ना इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल बी आई ए के लिए क्या है एक्सटर्नल एंगल, तो कितना हो जाएगा ये, अगर इस एंगल की बात करें क्या हो जाएगा क्या लिखेंगे, अगर इसको हम लोग पी मान लेते हैं तो एंगल बी आई इसको हम लोग यहां पर मान लेते हैं पी पॉइंट पर कहीं कट करें, तो एंगल बी आई पी क्या लिखेंगे, यहां से एंगल बी आई पी यही लिखेंगे ना बी वाई टू, एंगल बी वाई टू प्लस एंगल ए वन, ठीक है। अगेन क्या लिखेंगे एंगल सी आई पी क्या लिखेंगे, एंगल सी आई पी क्या लिखेंगे, देखिए ये इस ट्रायंगल के लिए क्या वाई कौन है, तो क्या होगा सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर है ना, या इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, तो इसको क्या लिखेंगे एंगल सी वाई टू प्लस एंगल ए टू। अब दोनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या जाएगा एंगल बी आई सी, अगर दोनों को ऐड कर देते हैं ऐड कर देंगे तो आप क्या लिखेंगे एंगल बी आई सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे एंगल बी बाई टू प्लस एंगल सी बाई टू प्लस कंप्लीट को क्या लिखेंगे एंगल ए वन प्लस एंगल ए टू, अगर इसको मान तो क्या लिखेंगे आप एंगल ए लिखेंगे, इसको आप क्या लिख सकते हैं आप एंगल बी बाई टू प्लस एंगल सी बाई टू प्लस इसको हाफ हाफ कर दिया एंगल ए बाई टू प्लस एंगल ए बाई टू, इसका वैल्यू कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बराबर होगा, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180 होता है, तो यहां से आप ये कंक्लूड कर देंगे 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई टू। इसको हम लोग ये दूसरा प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं, ये प्रोस्पेक्टिव में तो हम लोग ने जो बेसिक हर जगह पे मिलता है वो तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। अब देखिए सिमिलरली देखिए ये आपका क्या था आपका बी और सी का जो एंगल बाई सेक्टर होता तो 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई टू होता था, है ना। अब देखिए ए और बी का जो एंगल बाई सेक्टर है वो मिलेगा तो क्या हो जाएगा आपका एंगल ए आई बी लिखना होगा, तो एंगल ए आई बी लिखोगे आप तो क्या लिखोगे 90 डिग्री प्लस एंगल सी बाई टू, है ना। सिमिलरली आप क्या लिखोगे आप एंगल ए आई सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल बी बाई टू,
कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होता है तो कितना जल्दी चीजों को आप विजुअलाइज कर रहे थे ना। अब देखिए, अब हम लोग अज्यूम कर रहे थे कि जो एंगल बी है और एंगल सी का जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है वो ये एंगल बी आई सी यहाँ पे बना रहे हैं ना, बी आई डैश लिख लेते हैं ना, बी आई डैश सी, तो एंगल बी आई डी सी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग एक आर्ट लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं ना, ऐसे सोचते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन पर कोई है आपका, तो देखिए अगर ये स्ट्रेट लाइन है आपका, तो अगर ये आपका एंगल ऐसे सोचे, अब लगा हमने इसी आई देखिए, अगर ये हम लोग तो फ्रेंड देखिए हम लोग ये स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं यहां पर। देखिए अगर इस एंगल की बात करें, एंगल पी ओ आर का, तो इसका इंटरनल एंगल बाय सकता है, अगर हम लोग ये बोल देते हैं अगर ये इसका इंटरनल एंगल बाय सेक्टर है, तो देखिए और इसका एक्सटर्नल एंगल बाय सेक्टर कुछ ऐसा है। तो जो इंटरनल एंगल बाय सेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाय सेक्टर का जो बीच का जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होता है। देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूव कर देंगे, देखिए टोटल आपका कितना है, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इसका जो कितना है आपका 180 डिग्री है। देखिए लेकिन क्या है ये एंगल एक्चुअल में क्या है, एंगल पी ओ आर का हाफ है ये, एंगल क्यू ओ आर का हाफ है ये, तो हाफ हाफ तो ये कितना हो गया 90 डिग्री हो जाएगा, ये टोटल 90 डिग्री हो गया, ये हाफ है ना। या फिर ऐसे सोचिए ये एंगल पी ओ आर का हाफ ये है और एंगल क्यू ओ आर का हाफ ये है, तो कितना हो जाएगा दोनों मिलाकर के 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो किसी भी, तो हम लोग आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं ना कि किसी भी एंगल का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है जो आपस में 90 डिग्री बनाता है। तो देखिए अगर इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसा होता, ठीक है, और इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऐसा होता, तो यहां से हम लोग ये कंक्लूड कर पाते कि ये एंगल कितना है आपका 90 डिग्री है। सिमिलरली ये एंगल आपका अगर 90 डिग्री है, तो देखिए ये कितना होता था 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई टू होता था, इस एंगल को क्या बनाएंगे 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। तो आप लोग इस तरीके से हम लोग यहां से देख लेंगे कि एंगल बी आई डैश सी इक्वल टू हो जाता है आपका 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू। बाकी दूसरे पर्सपेक्टिव में तो आपको पहले से हम लोगों ने प्रूफ करके दिखा ही चुके हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया वीडियो तो इसको अगेन एक बार देखिए, और हम लोग जो ट्रायंगल में भी हम लोगों ने प्रूफ किया था वहां पे आप जाकर के देखिए। तो फ्रेंड्स आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इन सेंटर अंतः केंद्र के बारे में और इन रेडियस के बारे में, या फिर बोलते हैं अंतः वृत्त का जो त्रिज्या होता है उसके बारे में, और उसका रिलेशन को एस्टैब्लिश करेंगे और कुछ अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे आप लोगों को हमारे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।